पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए नव वर्ष थोड़े मिले जुड़े परिणाम लेकर आ सकता है। वर्ष की शुरुआत उनकी अच्छी कही जा सकती है। श्री राहुल गांधी जी का एक अलग जोशीला रूप सन 2019 में देखने को मिलेगा, किंतु इसके बावजूद सितारों का संकेत यह कहता है कि 2019 में श्री राहुल गांधी बेहद प्रभावशाली होने के बावजूद किस्मत का पूरा साथ नहीं मिलने के कारण देश के प्रधानमंत्री पद से वंचित रह सकते हैं। मार्च में राहु का राशि परिवर्तन का असर श्री राहुल गांधी जी के भाग्य स्थान में पड़ेगा, और कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। भाग्य में राहु के आने पर, जो कि कहते हैं पल में तोला पल में माशा, तो भाग्य को फ्लक्चुएट करेगा, उतार चढ़ाव करेगा। ऐसे में जब भाग्य में उतार चढ़ाव होता है तो अपने आप को साबित करने के लिए श्री राहुल गांधी जी को मेहनत ज्यादा करनी होगी। आगे बढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, भाग्य के साथ आपको समय नहीं मिलने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ष के मध्य में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, कुछ आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, वाद विवाद से भी बचकर रहने की आवश्यकता है। 30 मार्च को देव गुरु बृहस्पति पराक्रम में शनि के साथ चले जाएंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए सौभाग्यशाली रहने वाला है। माननीय श्री राहुल गांधी जी, आप अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं सन 2019 में। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक माननीय राहुल गांधी जी के लिए गुरु वारे नारे कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो अच्छा समय है बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूस नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी गुरु की चाल भी बदल जाएगी, और जब गुरु अपनी चाल बदलेगा, वक्री होगा, तो आपको अपनी आशाओं पर, अपनी उम्मीदों पर अंतिम क्षण में पानी फिरता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बनते हुए कार्यों के अटकने का भय भी आपको सता सकता है, लेकिन यू हैव टू चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। यदि आप जीतोड़ मेहनत करते हैं तो आप आपके लिखे को भी बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सफलता पाने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे, और सफलता मिले ये थोड़ी निश्चित नहीं है, लेकिन आपको सफलता के बिल्कुल पॉइंट तक आप पहुंच सकते हैं। वर्ष के अंतिम समय आपके लिए सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं। इस समय बृहस्पति पुनः आपकी राशि से पराक्रम भाव में शनि के साथ आ जाएंगे, जो कि आपके लिए साल 2019 की हैप्पी एंडिंग कर सकते हैं। कुछ सिंपल रेमेडीज हम आपके लिए भी लेके आए हैं। रविवार को भैरव मंदिर में दीप दान पूजा करवाइएगा। इफ यू वांट कि आपकी जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं मध्यावधि चुनाव के समय, तो उसको दूर करने के लिए राहु की शांति करवाइएगा। अपने निवास स्थान पर दक्षिण दीवार पर बैठी हुई अवस्था में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिएगा। अपने सीधे हाथ की कलाई में बगलामुखी मंत्र से अभिमंत्रित काला डोरा बांधिएगा। किसी गरीब जरूरतमंद कन्या का कन्यादान कीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, इसके कारण आपके विवाह सुख में भी कमी करता है, तो शनि की आराधना भी अवश्य कीजिएगा।